गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे एंड सैटरडे मींस छुट्टी, वीकेंड। और मेरी आज है फुल डे छुट्टी, मैं लीव पर हूँ आज सारे काम से। आज सारे काम करने वाले हैं डन टन टू टू। ए बैठ के झाड़ू कौन लगा रहा है बेड पे? हो मैं नहीं रही, बैठो बैठ, बैठ के झाड़ू लगा रहा है। आज झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना, सारे काम वरुण करने वाले हैं। मैं सिर्फ करने वाली हूँ अपनी पैम्परिंग एंड इन्जॉय एंड चिल एंड व्लॉगिंग, बस। टू 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 टू, ठीक है। सो आज वरुण सारे काम अपने हैंड ओवर ले लिया है वरुण ने। सो एक सेकेंड, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे मिस्टर वरुण शर्मा। नो इंटरव्यू प्लीज, इट्स माय वर्क। सुनिए तो सही, आप ये बताइए कि आपको, आप ये जो कर रहे हैं, आपको ये खुशी दे रहा है या फिर आप बहुत ही प्रेशराइज हो रहे हैं? काम करके कौन खुश होता है मैडम? हो मतलब आप अंडर प्रेशर में कर रहे हैं? नहीं, तो फिर क्या राज है इसका? बस करना है, ये तो अंडर प्रेशर लग रहा है भाई, कहीं ना कहीं कोई तो करेगा काम। ओ इधर इधर दिखाइए अपनी शक्ल जरा, ये जो मुस्कुरा रहे हैं आप, सही डायलॉग बोल के ना अच्छे नहीं लग रहे हैं। काम ना सफाई से कीजिएगा, मुझे ना पूरा घर सेट चाहिए, यू नो। आज बेडिंग भी वरुण करने वाले हैं एंड मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, लिटरली आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। एंड वैसे किचन तो हमारा क्लीन ही है। सुनिए आपको ना वरुण शर्मा किचन में आपको थोड़े से बर्तन क्लीन करने होंगे एंड ये ऑर्गेनाइज करने होंगे। ठीक है। इतना अच्छा लगता है ना जब आप रेस्ट पे होते हैं, इट फील्स लाइक वाओ, मैं उड़ रही हूँ हवा में। सो आज सैटरडे है, सैटरडे में छुट्टी तो मिलनी चाहिए यार, एक दिन छुट्टी तो मिलनी चाहिए। तो आज मेरी फुल डे लीव है और मैं कुछ पैम्परिंग करने की सोच रही हूँ, सोच कर रही हूँ। बेसिकली मैं सोच रही हूँ पहले तो ऑयलिंग करूँ, देन मैं हेयर वॉश करूँगी शाम को, ऑयलिंग करने की, एंड मैं सोच रही हूँ टू डू वैक्सिंग। सो चलो करते हैं कुछ ना कुछ टाइम पास। एक्चुअली ना बोर हो रही हूँ वरुण, तो मैं कुछ टाइम पास कर लूँ क्या? वरुण मैं बोर हो रही हूँ। वारुन पहले तो हेयर ऑयलिंग करते हैं यार, और मुझे ना सिर्फ एक काम करना है यार, शिट, ये वाले कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे, कपड़े फोल्ड करना है ना, सो 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 हैक्टिक फॉर मी। मतलब मैं कपड़े फोल्ड करने में बहुत लेजीनेस दिखाती हूँ। मैं लगाने वाली हूँ निहार शांति निहार शांति नामक एक तेल है जो मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ यार। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे डेली कमेंट्स आते हैं कि मैं अपने बालों का हेयर केयर रूटीन शेयर करूँ, मेरे बाल इतने स्ट्रेट कैसे हैं, इतने शाइनी कैसे हैं। तो यार मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बालों में ऑयलिंग प्रॉपर किया करो, मतलब वॉश करने से पहले ऑयलिंग करना मस्ट है। दो तीन चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो हेयर की लेंथ और जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हो चुकी है एंड वरुण की ऑलमोस्ट झाड़ू लगने वाली है। इस रूम में वरुण आ चुके हैं, इस रूम में, इस रूम में दोनों में लग गई है। एंड वरुण, हाउ यू आर फीलिंग मैन? फीलिंग गुड, फीलिंग गुड, ओके फाइन। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्टेप पे। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू वैक्सिंग, एंड वैक्सिंग के स्ट्रिप्स मैंने पहले ही ला के रखे हुए थे बहुत सारे, बिफोर लॉकडाउन, मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं तभी मैंने ला के रखे हुए थे, एंड अभी काम आ रहे हैं यार। सो ये लेट्स डू वैक्सिंग। मैं यूज करने वाली हूँ वीट के वैक्सिंग स्ट्रिप्स जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, और मैं यूज करती हूँ सेंसिटिव स्किन वाला। और इसके साथ मैं यूज करने वाली हूँ पॉन्ड्स का टैल्कम पाउडर, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद ही वैक्सिंग करनी चाहिए। एंड ये पूरा न्यू बॉक्स है, मैं शायद इसमें से एक स्ट्रिप, हाँ हाफ स्ट्रिप यूज किया हुआ है ओनली, और मेरे पास ऐसे दो बॉक्सेस और रखे हैं, विच इज रियली वेरी गुड। चलो फिर करते हैं फटाफट से हैंड्स की वैक्सिंग। तो आप सबको पता है अभी हर जगह चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन में आपको कोई वैक्सिंग एंड कोई थ्रेडिंग नहीं होने वाली है, और अच्छी बात है यार, फॉर्चुनेटली मैं ये वैक्सिंग के जो स्ट्रिप्स हैं पहले ही मैंने ला के रखे हुए थे, एंड ये बेस्ट चीज़ है यार, बेस्ट है। अगर आपके पास, या तो आपके पास अगर वेस्टिंग स्ट्रिप्स हैं एंड हीटर है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। बट अगर वो चीज़ नहीं है, आपको लगता है कि उस चीज़ में झंझट है एंड वो पूरा गर्म करना है वैक्स, अगर वो चिपकता है, ये है वो है, तो यार ये स्ट्रिप्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं एंड टोटल वर्थ होते हैं, और बहुत अच्छे से हेयर को रिमूव करते हैं। तो मुझे कुछ अर्जेंसी होती है तो मैं इन्हीं को स्ट्रिप्स को यूज़ करती हूँ, और अभी तो पूरा एक डेढ़ महीना यही काम आने वाला है, क्योंकि अभी पूरा 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन हो चुका है, आपको कहीं थ्रेडिंग नहीं होने वाली है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है,
एंड आई डोंट नो आपके वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं, बट हमारे यहाँ पे तो कहीं थ्रेडिंग नहीं करवा सकते हैं बाहर. सो आज मैंने फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग ट्राई की थी बाय रेजर. और कुछ लोग होते हैं जो बाय वैक्सिंग के स्ट्रिप्स आते हैं उससे भी अपना थ्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके पास प्रॉपरली वो वाले स्ट्रिप नहीं है तो आप इन वाले स्ट्रिप्स को भी कट कर करके थ्रेडिंग ट्राई कर सकते हो. और मुझे क्या होता है, मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि मैं इन वाले स्ट्रिप से करती हूँ वैक्सिंग, क्योंकि इनमें ना जेल चिपका होता है बहुत ज़्यादा. तो मैं वैक्सिंग की जो स्ट्रिप है उसे हाफ कट कर करके मैं यूज़ करती हूँ, तो वो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में हो जाते हैं ना, तो वो लगती नहीं है बिल्कुल भी. अगर आप बड़े वाले स्ट्रोक में करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लगती है, तो मैं उस स्ट्रिप को हाफ कट कर करके फिर कर देती हूँ. तो अगर कोई इस तरीके से करता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग भी हाफ हाफ करके करते हो या फिर फुल मेंग कर लेते हो, क्योंकि इसमें ना जेल होता है और वो जो वैक्स होता है वो थोड़ा मेल्टेड होता है तो उसमें कम लगती है. एंड वो जो कपड़ा होता है स्ट्रिप होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, बट ये प्लास्टिक होती है तो इसमें ना ज़्यादा लगती है. तो मैं हमेशा हाफ ऑफ करके ही करती हूँ. और वैसे तो मैं हमेशा इस चीज़ से नहीं करती हूँ, कोई अर्जेंसी होती है, कुछ अर्जेंट होता है तो ही करती हूँ. बट अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो बेस्ट चीज़ है, मुझे अभी के लिए बहुत परफेक्ट चीज़ लगी है. और कहीं भी शादी वादी हो ना तो परफेक्ट है, अपना काम आ जाती है, ये चीज़ बहुत सही है इसलिए. और जब तक मेरी पैम्परिंग चल रही है यहाँ पे वरुण लगा रहे हैं पोछा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई ये भी दिखा दिया जाए आप लोगों के साथ. और आज मेरे को ना कमेंट आ रहे थे कि अपना फुल डे रूटीन शेयर करो, तो फुल डे तो नहीं है बट हाँ मैंने वीकेंड का आपके साथ ऑलमोस्ट हाफ डे शेयर किया है, जिसमें मैंने की है पैम्परिंग एंड पति से कराया खूब जम के काम. और किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई अपने हस्बैंड से काम कराता है क्या? और ऐसा कुछ नहीं कि मैं वरुण से ही काम कराती हूँ, सो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना. अब जो संडे वाला व्लॉग है ना उसमें अपोजिट होने वाला है, वरुण पैम्परिंग करने वाला है एंड मैं काम करने वाली हूँ. यार पता है मंडे टू फ्राइडे देखो दोनों लोग काम करते हैं, बट सैटरडे संडे होता है कि वरुण के ऑफिस की छुट्टी होती है तो मेरे भी छुट्टी होनी चाहिए ना. तो हम लोगों का ये हमेशा से रहता है कि सैटरडे वरुण का फिक्स है काम करना एंड संडे मेरा फिक्स है. तो एक दिन वरुण अपनी पैम्परिंग कर सकते हैं एंड रेस्ट कर सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं, एंड सेम विद मी एक दिन मैं अपना चिल आउट एंड पैम्परिंग करती हूँ. वैसे अभी तो लॉकडाउन है तो इतना कुछ हैक्टिक नहीं हो रहा उनको भी ऑफिस का, एंड मुझे भी इतना हैक्टिक नहीं हो रहा, मुझे डेली में भी हेल्प मिल जाती है उनकी. बट फिर भी हमेशा होना चाहिए ना, तो हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं तो फिर आज क्यों नहीं इस बार भी होना चाहिए. सैटरडे हमेशा वही उनका वर्किंग रहता है, संडे हमेशा मेरा वर्किंग रहता है. हम सैटरडे में वो दिन ना चिल करेंगे, पूरा एंजॉय करने वाले हैं, उनके प्लान्स हो गए, मैं तो ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, और मैं पूरा काम करने वाली हूँ. तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, एंजॉय करना कल के व्लॉग को भी. एंड ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो कॉमेंट करना अच्छे अच्छे से, आपके जो कमेंट होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं यार मुझे. एंड यहाँ मैं वैक्सीन करी थी, मुझे पूरा उठा दिया कि नहीं नहीं निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से. तो मैं वहाँ खड़े हो गए कोने में, ऐसे थोड़ा थोड़ा वैक्सीन कर रही हूँ, लास्ट की ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, बस लास्ट चल रहा था तो बस हो ही गई है ऑलमोस्ट. सो आई एम डन विद माई वैक्सीन. और कितने अच्छे हाथ लग रहे हैं. और वरुण का पूरा मॉपिंग हो गई, पूरी मॉपिंग हो गई ना वरुण आपकी? बस एक बड़ी बालकनी बची है. अच्छा तो बस एक बालकनी बची है. और नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो? नेक्स्ट अब आपका क्या प्लान है? नेक्स्ट बर्तन तो साफ करो ना, दो बर्तन ही है. सो मैं करने जा रही हूँ फेशियल हेयर रिमूव एंड थ्रेडिंग भी करने जा रही हूँ थोड़ी सी. वैसे मैं थ्रेडिंग फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ. बढ़िया, लेट्स गेट स्टार्टेड. फेस तो मेरा वॉश है, क्लीन है, मैं इस पर कोई सीरम अप्लाई करती हूँ एंड देन रिमूव करते हैं अपने हेयर्स. मेरा फेस एक बार फिर से वॉश कर लिया है, क्लीन है, बिल्कुल ड्राई कर लिया है, फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया. और मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये बॉडी क्यूपिड का सीरम एंड दिस इज सो गुड यार. मेरे पास नहीं बहुत टाइम से आया हुआ था रिव्यू पर्पज के लिए, और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ, बट क्योंकि अभी कंडीशन ऐसे हैं तो मैं इसका रिव्यू नहीं दे पा रही हूँ. तो मैं ना आपको ऐसे यूज़ करके दिखा रही हूँ. एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है इसमें, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन. तो चलो इसका ना टेक्स्चर भी देखो ना, वाइट टाइप का है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना थिक वाला टेक्सचर है. मतलब एक तो इसे लगा के ना बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है, पता नहीं क्यों. मैं बाकी कोई सीरम लगाती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी एंड इस टाइप का लगता है. इसको लगा के ना बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. सो चलो सीरम लग गया है मेरे अच्छा खासा. बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस, ओ माई गॉड यार, पता नहीं इसमें क्या पड़ा हुआ है फ्रेगनेंस का ऐसा. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी फ्रेगनेंस, बहुत ज़्यादा वाली ज़्यादा. जस्ट मैंने इसे अप्लाई कर लिया अपने फेस पे और पता बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है और बहुत अच्छा लगता है. और हल्का सा मैं इसे अपने चिन और नेक एरिया पे अप्लाई कर लूँगी यहाँ तक. एंड फॉर शेविंग मैं यूज़ करने वाली हूँ इस टाइप के रेजर्स, और ये वाले रेजर्स बेस्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं. मैंने ये अमेजोन से लिया था या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, मुझे याद नहीं अभी, बट इसका लिंक आपको मैं डाल दूँगी तो आप बाद में कभी इसे ऑर्डर कर सकते हो. अभी मैं ऑर्डर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. इसको ना यूज़ करने से पहले बस क्लीन कर लूँ, मैंने इसे क्लीन वाटर में वॉश कर लिया. इसके साथ एक कैप भी आता है एंड इसके ये ना तीन आते हैं, सेट ऑफ थ्री में आता है.
और इसको हम स्लाइटली यूज करके अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। और मैं कभी आज तक मैंने थ्रेडिंग ट्राई नहीं किया, मैं थ्रेडिंग अपर लिप्स एंड फॉरहेड हमेशा पार्लर से लेती हूँ, बट क्योंकि अभी नहीं ले सकते हैं तो मैं आज इससे ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स सी कैसी होती है, आई एम नॉट श्योर है कैसी होने वाली है, मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है उसे करने से पहले, पर ट्राई करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम इस वाले पोर्शन से, या फिर इस वाले से किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं जनरली इससे करती हूँ कि मेरा हाथ जो है ना इस तरीके से ना ठीक बैठता है, एंड आपको इसे इसे इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, एंड आपको इस तरीके से इसे मूव करना है स्लोली, बहुत स्लाइटली स्लाइटली इसे मूव करना है लाइक दिस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। एंड क्योंकि मैं ये वाले हेयर्स रिमूव नहीं करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा ना आर्टिफिशियल लगता है, तो इनको मैं ऊपर ले लेती हूँ। बहुत स्लो स्ट्रोक चलाने हैं यार आपको, मैं आपको स्ट्रोक चला के दिखा रही हूँ, एंड आप डिफरेंस देख रहे हो स्किन में। स्किन में डिफरेंस देख रहे हो, कितनी क्लीन लग रही है, कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है। एंड यू कैन सी यार हल्का हल्का सा ना रेशा रेशा वाला जो चीज़ है ना वो ये देखो, क्योंकि मेरे हेयर ना थोड़े से गोल्डन एंड ब्राउनिश है, तो रेशा रेशा आ रहा है। मैंने अभी स्पीड थोड़ी सी अपनी हाई कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और पर आप ये मत समझना कि मैं जल्दी जल्दी करूँ तो आप भी जल्दी जल्दी करो। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो तो धीरे धीरे ही करना होता है। मेरे को वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इसलिए वो थोड़ा सा तेज लग रहा है, वरना मैंने आपको ओरिजिनल करके दिखाया है कैसे किया है मैंने। और आप डिफरेंस देखो यार कितनी क्लीन स्किन लग रही है, एंड इसके आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं, आपके कोई बहुत हार्ड बाल नहीं आने वाले हैं, एंड बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होने वाली है। मैंने इसको ट्राई किया 3 से 4 बार, मैं बहुत ही मैं मतलब मंथली नहीं करती हूँ, बट लेकिन कभी कभी मन किया आफ्टर 3 या 4 मंथ्स तब मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत सही लगते हैं इसके रिजल्ट्स। एंड अभी मैं करने वाली हूँ इसका फॉरहेड, तो चलो करते हैं यही। मैम फॉरहेड तो मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, बिकॉज मैं हमेशा पार्लर से जाती हूँ ना, तो वहीं कराती हूँ थ्रेडिंग के साथ ही। आपको ना बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, करना इज़ नॉट सो हार्ड, बस आपको ना आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है, बाकी देयर इज़ नो प्रॉब्लम यार। यार थ्रेडिंग तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, बट लेकिन बहुत सही हो गई। मतलब अभी तो मैंने इतना परफेक्टली नहीं किया है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसे ट्राई करूँगी ना तो वो बहुत सही हो जाएगा। और कहीं शादी में जाते हैं और हम थ्रेडिंग ना हर जगह नहीं बनवा पाते हैं, या फिर हमारे ना पार्लर का वो होता है कि भाई यार कोई अच्छी बनाता है कोई ख़राब कर देता है, मेरी थ्रेडिंग के संग तो हमेशा ऐसा होता है, तो मैं हर किसी पर नहीं बनवा पाती हूँ। तो अगर मुझे कुछ ज़रूरी है ना तो मैं इस तरीके से बना सकती हूँ अपनी अपने आप। चलो इस चीज़ का आज मुझे बड़ा संतुष्टि मिल गई कि भाई चलो ये काम हो सकता है मेरा, शेप नहीं आएगी, बट आप देखो ना यहाँ पे क्लियरिटी एंड यहाँ पे मेरे थोड़े से इनग्रो हेयर्स है, तो बहुत ज़्यादा शेप नहीं मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, बट हाँ काम चलाने के लिए बेस्ट है इस टाइम पे, मतलब परफेक्ट चीज़ है। चलो पहले इस वाले को ना नीचे से भी क्लियर करते हैं, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। आप देखो ना मैंने नीचे किस तरीके से आई को अपना पकड़ा हुआ है, एंड देन मैंने इस तरीके से उसके बाद हल्के हल्के से स्ट्रोक में लेके यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि आँख पे आप कर रहे हो, एंड जब यहाँ पे करो ध्यान रखो कोई बच्चा पास में नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी पास में नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि आँख का मामला है, अगर हल्का सा भी कट लग गया ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड आई को आपको टाइटली प्रेस करना है, एंड देन धीरे धीरे छोटे छोटे से स्ट्रोक लेने हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन होता नहीं है आपकी आईज़ का, बहुत स्लाइटली स्लाइटली स्ट्रोक लेने। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, वरना मैं बहुत स्लोली कर रही थी, तो आपको ध्यान से ना करना है, इजीली हो जाता है, कोई डर वाली बात नहीं है, बट केयरफुल रहना होता है, मेन चीज़ ये होती है। यार काफ़ी हद तक बेटर हुआ है, एंड मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ जैसे कि मैंने बताया, बट आप देखो ना मतलब क्लियरिटी मैंने काफ़ी हद तक कर ली है इसमें, एंड इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। एंड देन उसके बाद ये जो नेक वाला पोर्शन होता है यहाँ पे हेयर को रिमूव करने के लिए मैं छोटे छोटे वैक्सिंग के ये स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ, मतलब वैक्सिंग के वीट वाले स्ट्रिप है मैंने कट कर लेती हूँ छोटी छोटी शेप में, एंड देन इस पूरे चिन वाले एरिया पे मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं शेव नहीं करती हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जॉ लाइन होती है तो कट ना लग जाए, तो मैं यहाँ पे इजीली उनसे रिमूव कर लेती हूँ। सो मैं इस तरीके से रिमूव करती हूँ, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर अच्छा लगा है, आप लोगों ने इंस्पायर हुआ है, ऐसे कुछ रिमूव किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना है इस वाले वीडियो के नीचे, एंड प्रोडक्ट्स के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे मेरी इसी वाले वीडियो के नीचे, सब चेकआउट जरूर कर सकते हो। अपने फेस को वॉश कराई हूँ और मैं इसे बिल्कुल
क्लीन कपड़े से पहुंचना है, बहुत ऐसे पहुंचना है, मतलब बिल्कुल भी रब नहीं करना है। देख रहे हो मेरा बहुत क्लीन लग रहा है। एंड अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक शीट मास्क, क्योंकि शीट मास्क इज वेरी मच वाला जरूरी फॉर पैम्परिंग योर स्किन। एंड बहुत टाइम से मैंने कोई शीट मास्क अप्लाई भी नहीं किया है, और वैसे भी जब आप फेस को शेव करते हो उसके बाद आपको ना या तो बहुत हैवी सा आप कोई मॉइस्चराइजर या लोशन अप्लाई कर लो, और नहीं तो आप शीट मास्क अप्लाई कर लो। तो अभी मुझे मिल गया है बैम्बू का शीट मास्क, और ये गुड वाइब्स के शीट मास्क हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैं रेगुलरली ना यूज करती हूँ। और ये ना स्किन अभी 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 जो है ना ये ड्राई स्किन के लिए है, तो अभी क्योंकि मेरी स्किन ना आफ्टर शेव थोड़ी सी ड्राई आउट हो जाती है, पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या नहीं, तो मैं इस टाइम ड्राई स्किन वाला यूज करती हूँ, मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सेसिव ये मॉइस्चराइज करता है आपके फेस को, वरना मैं तो ऑयली स्किन वाले यूज करती हूँ। अभी मेरे फेस पे कोई इचिंग या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, सिंपली बस इसे लगाना है और यूज कर लेना है। मुझे ना गुड वाइब्स के सारे शीट मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मुझे शीट मास्क लगाना ही बहुत पसंद है, मुझे बहुत रिलैक्स लगता है इसे लगा के, पता नहीं क्यों, एंड मॉइस्चराइज भी जाती है, स्किन भी हेल्दी लगती है और फ्रेश भी लगता है, अच्छा भी लगता है। एंड ये आपको ऑफर में मिलते रहते हैं हमेशा, तो मैं हमेशा जब भी ऑफर में आते हैं ना मैंने परचेज कर लेती हूँ, एंड हमेशा काम आने वाली चीज़ है ये, मुझे बड़ा बेस्ट लगता है, बहुत सही है यार ये चीज़ है। फिर ना बचा हुआ रहता है बहुत सारा, तो उसे ना वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, आप देख लो ना इस तरीके से ना स्टिक रहता है, उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे इस तरीके से निकाल के अपने हाथों को मल लेना चाहिए हाथों पे, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज रहते हैं। और वैसे भी अभी तो मैंने वैक्सिंग की है तो ज़्यादा भी ज़रूरत है वैक्सिंग करने के बाद भी मॉइस्चराइज करने की अपने हाथों को। घर तो बहुत ज़्यादा सेट दिख रहा है मुझे, जहाँ से मैं देख रही हूँ अभी आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार क्या कंडीशन है घर की। सो ऑल सेट, मेरा वैक्सिंग कर ली मैंने, फेस का हो गया, और अभी उसके बाद हम लेते हैं शॉवर, नहाते हैं, और नहाने के बाद फिर थोड़ा सा कुछ अप्लाई करते हैं फेस पे। और मैंने फेस पैक नहीं लगाया आज, क्योंकि मैंने भी एक दो दिन पहले ही फेस पैक लगाया था, तो मुझे नीड नहीं लग रही थी कि फेस पे कोई पैक लगाना चाहिए, एंड स्क्रबिंग मुझे करनी नहीं, क्योंकि मैंने दो दिन पहले स्क्रबिंग की है, तो स्क्रबिंग आपको वैसे भी आपको वैक्सिंग करने के बाद स्क्रब नहीं करना चाहिए फेस पे। और वैसे ही पता है हर किसी का अलग अलग भी होता है, किसी को सूट करती है किसी को नहीं, मुझे सूट नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जस्ट मैंने वैक्स कर लिया, अपने फेस को प्रॉपर रेस्ट दूंगी मैं, नहाऊंगी, नहाने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी कोई अच्छा सा, एंड दैट्स इट। चलो घर देखते हैं, मैं कैमरे से लेके चलती हूँ बेडरूम में। ओहो, बेडरूम इज सो नीट एंड क्लीन यार, पूरा मॉपिंग वॉपिंग सब हो चुका है, एंड बेडिंग भी हो चुका है। अभी चलते हैं काम वाले भैया, काम वाले भैया अभी चलते हैं किचन में, किचन में जा सकते हैं क्या? ओ वाओ, अभी बर्तन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ओके चलो ठीक है नीचे, लेकिन पूरी मॉपिंग हो गई है, एंड फ्लोर इज सो क्लीन एंड शाइनिंग शाइनिंग टाइप का फ्लोर हो रहा है। ये वाला रूम है तो मुझे कपड़े यार फोल्ड करने हैं, यहाँ पे तब से मैं लगी पड़ी थी। क्या चोरी कर रहे हो मेरी ड्रेसिंग से? कुछ नहीं दे रहा, इधर आओ इधर आओ, ये तो कैसा लग रहा है काम करके? ओके तो पूरा हो चुका है घर का, एंड अभी वरुण जा रहे हैं नहाने के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तब तक मैंने लगाया हुआ है ये वाला फेस का क्या लगा हुआ है शीट मास्क। चलो फिर चिल करते हैं, थोड़ा आंख बंद करके लेटते हैं। मुझे लगा था कि मैं रेस्ट करूंगी बट ऐसा नहीं हो पाता है, फिर मुझे याद आ गया अरे यार मुझे एक तो वीडियो एडिट करना था, तो मतलब एडिट तो था बट मुझे पब्लिश करने से पहले ना कुछ करना होता है, उसमें दो चार चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी होती हैं, सो मैं वही सब चीज़ें कर रही थी, एंड वरुण जब तक नहा रहे थे मेरे शीट मास्क लगा हुआ था, तो मुझे 15 मिनट तो बैठना ही था, तो मैंने कहा अपना काम फिनिश कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, एंड किचन क्लीनिंग वाला मैंने पब्लिश किया था, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना है, लास्ट में यहाँ पे लगा हुआ आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैंने शेयर किया एक बहुत अच्छा सॉन्ग जो वरुण ने मेरे लिए गाया है, अगर वो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर चेक करना यार, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आजकल मैं दे रही हूँ, तो बहुत सारा प्यार दिखाओ, बहुत सारे शेयर करो, बहुत सारे कमेंट करो, बहुत सारा लाइक करो, एंड सब्सक्राइबर जल्दी से गेन करवा दो मेरे। तो मैंने वीडियो एडिट किया एंड अभी अपलोड भी कर दिया, पब्लिश कर दिया मतलब, और वरुण नहा के आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और यू कांट बिलीव इट गाइस कि वरुण अभी क्या करने वाले हैं, वरुण अभी करने वाले हैं कुकिंग, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वरुण आज ना परांठे बनाएंगे, वरुण ने आज तक सब्जी ट्राई की है, राइस भी ट्राई कर लिए हैं, एंड सब्जी तो मैंने रखी हुई थी पहले से, एंड आटा भी रखा हुआ है, तो वरुण ना कुकिंग करके परांठे बनाने वाले हैं सब्जी के साथ,
सो आई एम सो एक्साइटेड उन्हें देखने के लिए एंड पराठे खाने के लिए. जब तक मैं नहा के आऊंगी वरुण पराठे बनाने वाले हैं और आपके साथ शेयर भी करेंगे. सो देखते हैं कैसे पराठे बनाएंगे वरुण. आई डोंट नो उनको आते भी है या नहीं आते पराठे बनाने. आई हैव नो आइडिया, नो आइडिया. आज तक वरुण ने रोटी पराठा कुछ नहीं बनाया है. पहली बार बनाने वाला है. लेट्स सी कैसा होने वाला है. तो यहाँ पे आ गए हैं वरुण शॉपिंग करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जी तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी बट लेकिन उनको ना पूरी मिनिमाइज मतलब उनको ना पूरा उसमें एडिट करना था बहुत सारी चीज़ें एंड उनको अपनी स्टाइल से बनानी थी. तो यहाँ पे वरुण प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च वो सारी चीज़ें कट कर रहे हैं. एंड वरुण ना थोड़ा सा मतलब कुकिंग बहुत बहुत खतरनाक एकदम अच्छी वाली करते हैं बट थोड़ा सा स्लो करते हैं क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं है अभी एक एक साथ 10-12 चीज़ें कर रहे हैं. तो ना बिल्कुल एकदम आप देखना बिल्कुल परफेक्टली वाली कुकिंग करते हैं. तो उन्होंने सब्जी बनाई देन उसके बाद राइस फ्राई किया और वो जब राइस फ्राई कर रहे थे वो ये भूल गए कि कैमरा ना मतलब कैमरा बंद हो चुका है. उनको लगा कि कैमरा स्टार्ट है. कैमरा तो स्टार्ट था बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी. तो सब्जी की बस वीडियो बन पाई है एंड राइस की कोई वीडियो नहीं बन पाई है. और लास्ट में जब मैं आई थी नहा के तो मैंने देखा अरे यार कैमरा तो स्टार्ट ही नहीं है. फिर जो पराठे थे वो मैंने बना दिए तो पराठे वरुण ने नहीं बनाए थे. फिर मैंने पराठे में देखे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था मुझे बहुत भूख भी लग रही थी. तो वरुण ने सब्जी बनाई है एंड राइस की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई तो मैं आपके साथ डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी. और मैं अभी सब्जी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ. सब्जी में ना मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई थी मतलब जैसे कि मैं बनाती हूँ धनिया थोड़ी सी लाल मिर्ची एंड नमक डाल के. वरुण ने उसको पूरा एडिट किया ये वो पूरा अपना तड़का वड़का लगा के अपना पूरा जादू चलाया उस पर. और यहाँ पे वरुण ने प्याज भी कट कर लिया फ्राइड राइस के लिए कि बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बनाए थे यार बहुत टेस्टी. हमने वो थोड़े से लंच में अभी खाए एंड थोड़े से बचे थे इस पर हमने डिनर में भी किए. एंड पीछे जो किचन है प्लीज़ इग्नोर इट क्योंकि आज वरुण ने काम किया ना तो यहाँ पे जो बर्तन है ऑर्गेनाइज नहीं हुए अभी नीचे बास्केट में और ना ही बास्केट में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो पूरा खाली हो जाता है स्पेशियस हो जाता है. बट ठीक है कोई बात नहीं आज जो मुझे हेल्प मिली है शायद बहुत बड़ी है. तो ऐसा कोई करता है कि सैटरडे संडे का किसी का काम डिवाइड है या नहीं है तो मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि सब लोग मिलके ऐसे सैटरडे संडे में काम करते हैं आपके यहाँ या फिर कोई अकेला सिंगल ही करता है. तो ये चीज़ मतलब इंटरेस्टिंग है मुझे जाननी है. और मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल आपके वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार. एंड ट्रस्ट में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ बट उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रही हूँ. मतलब आप बहुत ज़्यादा यार आपके कमेंट्स ना तो दिन नहीं बनता ये चीज़ हो गई है. तो चलो देख लेते हैं वरुण ने किस तरीके से अपनी सब्जी को फ्राई किया एंड वो रखा है मेरा फेवरेट वाटरमेलन जो मैं रात में डिनर में वाटरमेलन एंड राइस ही खाए थे हम लोगों ने. तो यहाँ पे वरुण ने ऐड किया थोड़ा सा देसी घी एंड वरुण मोस्ट ऑफ द चीज़ें सब्जी वब्जी देसी घी में बनाते हैं क्योंकि उसका जो फ्लेवर आता है ना वो एक अलग ही आता है. तो सब्जी देसी घी डाल के मेल्ट हो गया उसमें फिर ऐड करेंगे अपने कुछ तड़के वड़के एंड वरुण नमक ना खत्म हो गया था. वरुण पूछ रहे थे मुझसे यही नमक है यही नमक है. मैंने कहा हाँ हाँ यही नमक है. सो वरुण ने रिफिल कर लिया है. सेंधा हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं मैंने आपको पहले बताया था हम लोग डेली में भी ना सेंधा नमक यूज़ करते हैं. हम लोग वाइट वाला टाटा नमक यूज़ नहीं करते हैं सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं हम डेली में. एंड बस यहाँ पे डाला है जीरा. उसके बाद ये देखिए वरुण ना पूरा शेफ़ वाले पोजिशन में आ जाते हैं एंड पूरा उस तरीके से फील करने लग जाते हैं चीज़ों को. और यहाँ पे वरुण डालेंगे अभी देखते हैं क्या डालेंगे मुझे भी नहीं पता. ओके प्याज फ्राई की है अभी. हाँ वरुण को ना वैसे भी कोई भी सब्जी एंड कोई भी चीज़ बिना प्याज के पसंद नहीं है. उनको प्याज फ्राई हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए वरना कच्ची प्याज चाहिए वरना मतलब बहुत ज़्यादा हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्याज खाई जाती है. देन फिर टमाटर ऐड कर दिए और हरी मिर्च भी ऐड किए यार ग्रीन ग्रीन दिख रहा है. हाँ हरी मिर्च ऐड किया. अब अपने तड़के भी लगाएंगे थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर. जब तक वरुण के तड़के ना लग जाएं तो फिर क्या ही लगे. देखिए आप अभी देगी मिर्च चाट मसाला ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है. एंड ये अगेन कश्मीरी मिर्च मतलब आप आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी देखिए वरुण की चाट मसाला भी देगी मिर्च भी और नमक बहुत चीज़ें ऐड करते हैं यार ये. अब दो घी फिर से ऐड हो गया थोड़ा सा क्योंकि घी कम लग रहा होगा मसाले भूनने के लिए. एंड बस मसाले चला के कर देने हैं फ्राई. उसके बाद इसमें डाल देंगे अपनी सब्ज़ी. एंड ट्रस्ट मी यार क्या सब्ज़ी का कलर आया था एंड क्या टेस्ट वाइज लग रही थी बहुत टेस्टी एंड तूफानी ख़तरनाक सी बहुत अच्छी लग रही थी ये डली सब्ज़ी. एंड अब इसको चलाना है फ्राई करेंगे बहुत अच्छी बनी थी. बट लेकिन क्या हुआ कि वो मतलब इतने ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बनाई तो अच्छी तो बनेगी. और हुआ ये कि फ्राइड राइस जो बनाया वरुण ने वो हो ही नहीं पाए एंड वो बहुत टेस्टी बने थे. उसमें ना वरुण ने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था तो बहुत ही टेस्टी शानदार जानदार बने थे. वरुण को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है
मतलब हम दोनों का ना खाने का भी शौक है, तो हमें कुकिंग का भी शौक है। अगर इसी कुकिंग का शौक नहीं होता ना, तो फिर इंसान कुछ भी खा लेता है, चल ठीक है खा लिया। हम लोग ना पेट भरने के लिए नहीं खाना होता, हमें टेस्ट चाहिए हर चीज़ में, टेस्ट होनी चाहिए और मज़ा आना चाहिए। अब देख कश्मीरी मिर्च और पड़ गई तो वरुण को ना कलर भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी मन करता है खाने का। और शौक भी है तो मुझे भी अच्छा लगता है, वरना अकेले इंसान बनाता है तो बोर हो जाता है। दोनों लोग बनाते रहते हैं ना, तो या फिर दोनों का मन करता है कि ठीक है बना लेते हैं, खा लेते हैं। आप लोग बताओ कि आपके आजकल दिन कैसे जा रहे हैं यार? मेरे तो इसी तरीके से जा रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डेली लाइफ अपनी व्लॉग के थ्रू। आप लोग कमेंट्स के थ्रू शेयर किया करो कि आप लोगों ने क्या स्पेशल बनाया एंड क्या स्पेशल काम किया एंड क्या हुआ, वो सब ना मुझे आप कमेंट्स में शेयर किया करो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ आपके साथ व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करो। और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होना, जैसे आप लोग मुझसे कनेक्ट होते हो, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपसे कनेक्ट हूँ, मैं भी आप लोगों के बारे में जानूँ एंड मैं भी आप लोगों को पहचानूँ उतने जितना आप लोग मुझे पहचानते हो। और आजकल मैं लाइव भी आ रही हूँ, डेली आ रही हूँ ऑलमोस्ट, तो मैं ट्राई क्या करूँगी, चाहे 10 मिनट के लिए वो डेली आऊँ, मज़ा आता है। आप लोग भी एनर्जेटिक हो जाते हो, मैं भी बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मुझ में ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। एंड उसको करने के बाद वरुण ने यहाँ पे कर दिया क्लीनिंग, क्लीनिंग गैस की कर दी है। एंड अभी वो ना वरुण अपनी सब्जी को पूरा अच्छे से प्याज धनिया डाल के पूरा डेकोरेट करेंगे। वो चीज़ ना कैमरे के इधर होगी, वरुण को हैबिट नहीं है कैमरा मतलब याद रखने की, तो बहुत सारी चीज़ें ना इधर उधर हो जाती हैं कैमरे से, एंड बाद में तो बंद ही हो गया कैमरा। कोई बात नहीं, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। ये बन गया हमारा टेस्टी वाला डिनर, लंच सॉरी, टेन टेन। देखा फ्राइड राइस इतने अल्टीमेट बने, इतने और बता नहीं सकती मैं आपको, इसकी रेसिपी सॉरी मिस हो गई। एंड ये बन गई सब्जी, बहुत अच्छा कलर है। एंड इस हॉट में मैंने बना के रखे हुए हैं पराठे, बहुत टेस्टी, जो हमें लगे गरम गरम, ये मैंने सीख दिए थे। चलो मैं ब्लॉग खत्म करती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बाय।